को हम बोल रहे हैं ये पर्पसली उनको डिमोरलाइज करने के लिए, डराने के लिए वो कर रहे हैं। और या वैभव जो हमारे सुमने रहा इधर होता हमारा जो गहलोत के सुपुत्र है वो उससे भी नहीं डरने वाला, उनका बिजनेस है, देख लेने दो जो कुछ भी है उनके पास। लेकिन दूसरी तरफ गहलोत के इलेक्शन को स्पॉइल करने के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने के लिए और हमारे जो आज नेता वहाँ है उनको डराने के लिए इनकम टैक्स का हो, ईडी का हो, ये काम कर रहे हैं, ये हमेशा करते हैं। इससे चंद लोग डर सकते हैं लेकिन हमारे लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और गहलोत हो, बाकी के हमारे मिनिस्टर्स हो, कार्यकर्ता हो, वो डट के मुकाबला करेंगे। अभी रिजल्ट होने के बाद उनको मालूम हो जाएगा, आप ऐसा लगता है आपको रिजल्ट देखने के बाद? अरे ये तो देखो, वो लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। अभी पहले भी हम 50-52 साल से इसमें हैं, कभी इलेक्शन के वक्त कोई भी ऐसा ईडी रेड, इनकम टैक्स रेड कोई नहीं करता। इलेक्शन में बहुत हो गए तो जो इलेक्शन में पैसे कहीं यहाँ पकड़े वहाँ पकड़े ऐसा बोलते थे, लेकिन आज पर्पसली चीफ मिनिस्टर को डराने का, कांग्रेस नेताओं को डराने का ऐसा काम नहीं किए, ये कर रहे हैं। लेकिन एक न एक दिन उनको भी भुगतना पड़ेगा।